السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خارطة الطريق للدكتور عايض القرني الديناميت في انجليزي كلمة ديناميت यानी तबाही करने वाली चीज ला तिल दिन पी बी का अपने पास डायनामेट ना रखो तखल्ला अनिल कराह क्या डायनामेट करने वाली चीज क्या है कि नफरत ये बहजो हसद जो दिल में पालते हो तुम ये तुम्हें बर्बाद कर देगी तखल्ला खाली हो जाओ तखल्ला तख्ला तखलियन, अलिफ मकसूरा गिर गया अमर का सीगा खाली हो जाओ फ्री हो जाओ नफरत से बोज से पाक हो जाओ का मिनल अपने दिल को धो लो हक्ज़ो हसद से जलन से लोगों पर हसद करने से तन इसका क्या बदला मिलेगा इसकी जजा क्या होगी ये जज मारा है जवाब है जजा है अम्र की इसलिए ये कर लोगे तुम नफरत से अपने आप को पाक तो क्या मिलेगा तन अम तुम्हें लुत्फ मिलेगा नाई मैं नाम हो मैंने लुत्फानंदोज होना तन अम मजूम है जजा होने की वजह से जजा अम्र की जजा होने की वजह से तुमको लुत्फ मिलेगा फौरी जन्नत का दुनिया ही में जन्नत का मजा मिल जाए सुकून व की जन्नत व तयशिलमुसा ये भी मजजूम है और मिलने की वजह से कसर आ गया ताइश अल था तुम जियोगे अपने साथ भी सुलह सफाई के साथ और लोगों के साथ भी सुलह सफाई के साथ वला तजअल का ख़राबतन अपने दिल को एक वीरान जगह ना बनाओ झाड़ झंकर जहाँ हों तवील अक़ारीबुलत जिसमें पनाह लें बिच्छू और सांप ये जो ख्वाहिशात हैं नफसानियाँ हैं ये बहुत ये सांप बिच्छू से ज्यादा खतरनाक है अपने दिल को ऐसा उजड़ा हुआ और ऐसा बर्बाद खिता ना बनाओ कि जहाँ सांप बिच्छू पनाह लें बल्कि उसको महब्बत से अल्लाह की महब्बत से आबाद करो फिर ये चीजें नहीं आ सकेंगी अपने दिल को खराब ना बनाओ खराब वतन बलीजाल अपने दिल को एक बाग बनाओ फूलों का फलों का परिंदों का नहरों का कहने का मतलब अच्छे जज्बात अच्छे जज्बात आने दो अपने दिल में

जो लोगों के साथ है तुम्हारी उसका ख्याल करो पक्ष बुद्ध हम और उनकी मोहब्बत को हासिल करो वन तखसरा अदमास और किसी को ना खो खो दो, दोस्त को किसी दोस्त को ना खो मैंने खोना, किसी दोस्त का खसारा ना करो फित का कस्बू जिसको तुम बाकी रख सकते हो उसको दोस्ती से ना हटाओ अल्लाह ताला ने दिए हैं तो बाकी रखो। रखोदतुल वहम। यानी वहम की नफसियात उकदा पेचीदा नफसियात उकदा कहते हैं गिरह को ये गिरह गुत्थी होती है जो सुलझती नहीं गुत्थी को कहते हैं वहम की गुत्थी ला यू ही मकज लायूहिम का, ला का या तो नहीं बना तो या नफी बना तो दोनों सही है शैतान तुम्हें यह वहम ना दिलाए अन्ना का अफजल उन्नास कि तुम दुनिया में सबसे अफजल हो हम में से सब लोग इसी वहम में मुब्तला है मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ सबसे जीनियस हूँ सबसे बड़ा आलिम हूँ अपने फन का सबसे बड़ा मास्टर हूँ अल्लाह ताला तुझे बचाए इस, से। तखलस मिन इस तरह के वहम और ज़ोम की गुत्थी से नजात पा जाओ आइंद महतफ रूफी फजाइली का जब तुम सोचो अपने फजाइल को और अपने महासिन को देखो पता हम हो तो तुम्हें वहम हो जाता है जब देखते हो तो का वाहिदो जमाने का के तुम अपने जमाने के यकता इंसान हो अफजल माशरी का अपने मुआसरीन में सबसे अफजल हो फूर ये सब झूठ है फ़रेब है ये इबलीस का धोखा है दुनिया में उलमा हजारों हैं कुरमा हजारों असिया हैं शराफा है

इसी तरह से हर फन का हिसाब है हकीकत का एतराफ़ करो और अपने नफ्स को घटाओ बहुत बड़ी बात है मवािब उन्नास लोगों की सलाहियतेंवाहिबन्नास लोगों की सलाहियतों का एतराफ़ करो या तारीफू बे मोहब्बती का वो तुम्हारी सलाहियतों का एतराब करेंगे हम दूसरों की सलाहियतों को नजरअंदाज करते हैं तो हम भी नजरअंदाज किए जाते हैं मिन असाबिल उमूर अला नफ्स इंसान के दिल पर सबसे ज्यादा शाख गुजरने वाली चीज ये है कि लोग उसकी सलाहियत का इनकार करें जुहूदुन्नास लिल मौहबा व कितवानुहुम लिफदाइल अल आखरीन और फजीलत को छुपाएं अगर चाहते हो कि लोग तुम्हारे सलाहियत और लियाकत का अतराफ़ अच्छा करें फातरिफ बेमाह तुम इनकी सलाहियतों का अतराफ़ अच्छा करो उनका शुक्रिया अदा करो सारी सलाहियतों के तुम तनह मालिक नहीं हो लोगों के पास ऐसी सलाहियतें हैं जो तुम्हारे पास नहीं है अगर तुम शायर हो तो दूसरा खतीब है अगर तुम मालदार हो तो दूसरा आलिम है या डॉक्टर है या वजीर है या इंजीनियर है या पायलट है तैयार पायलट मोहंदिस इंजीनियर तो तुम अल्लाह के फजल पर इजारा क्यों इजारा दारी क्यों चाहते हो ताकि इजारा दारी करना मतलब रोक कर सारा फजल हमी को मिल जाए ऐसा थोड़ी है ना का लोगों में आपसे फाइकिया मोहब्बत इन किसी ना किसी फन में जमील नेक नामी एक जमाना ऐसा होगा कि आप मौजूद नहीं होंगे रख याद करो कि आप इस दुनिया को छोड़ देंगे करीब नीब तो हिर्स करो कि अच्छे ताल्लुकात बनाओ लोगों के साथ हिरस आला अच्छे ताल्लुकात की हिर्स करो मैं करा ताकि मौत के बाद तुम्हारा जिक्र खैर हो दुआ दी जाए तुम्हें मौत के बाद मेरे लिए दुआ करना मगफरत की दुआ करना अल्लाह ताला सरमा दे भी भी आमली का। इस दुनिया से तुम सिर्फ अपना अमल लेकर जाओगे और कुछ नहीं ले जाओगे पत्र कर लो। साथ ले जाओगे और पीछे नक नामी और अच्छी तारीफ छोड़ कर जाओगे तो मिनल बशर किसी के साथ बुराई ना करो वरना यह सिया नुकता रह जाएगा तुम्हारे अमाल के दफ्तर में दुनिया में तुम वक्त ही आए हो और जैसे दूसरे लोग चले गए तुम भी चले जाओगे ले तो ले का। दूसरे लोगों को फिर मौका मिलेगा तो लोगों के साथ फसन सलूक करो जबकि तुम एक छोटे से सफर में हो मदम तफे बसीरादिल्लाबील